नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर, मैं एक मधुमेह रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपके समक्ष ये बात करना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ जब हो जाता है तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप नियमित व्यायाम करिए, तो मरीज कहीं ना कहीं पूछता है कि साहब ये व्यायाम का मतलब क्या है? क्या व्यायाम का मतलब जिम जाना है, कि व्यायाम का मतलब योग करना है, कि व्यायाम का मतलब आप नियमित वॉक पे जाना है या स्विमिंग करना है, या मुझे कुछ स्पोर्ट्स में रुचि है, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ या लॉन टेनिस खेलता हूँ, तो क्या वो व्यायाम माना जा सकता है क्या? देखिए, डायबिटीज़ में ये निश्चित करना ज़रूरी है कि दिन में दो बार आप आधा घंटा से 45 मिनट व्यायाम करें। व्यायाम का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे हृदय गति बढ़ती हो, जो कार्डियो एक्सरसाइज हो, वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। अगर आप योग करते हैं आधा घंटा 45 मिनट, तो शरीर की गति भी चेंज होती है, आपके हृदय की गति भी बढ़ती है, पसीना भी आता है और आपकी जो ऊर्जा है उसकी खपत बढ़ती है, क्योंकि हम व्यायाम करते हैं तो जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती हैं, तो वो भी एक व्यायाम है। बहुत से लोग पैदल चलना पसंद करते हैं, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि आपको दिन भर में कम से कम 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए। 10,000 स्टेप्स का अगर आप पैमाना देखेंगे तो आपको 6-7 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो व्यवहारिक नहीं है। तो व्यवहारिक कैसे होना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि आप सुबह आधा घंटा 45 मिनट जो भी मन को अच्छा लगे और परिस्थितियों के अनुरूप, जैसे मान लीजिए सर्दियों का मौसम है तो आपको घर पर ही व्यायाम कर लेना चाहिए या जिम पे व्यायाम कर लेना चाहिए। गर्मियों का मौसम है, आप वॉक पे जा सकते हैं। बरसात का मौसम है, फिर वॉक आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको व्यायाम का प्रकार चेंज करना पड़ेगा। सर्दियों में आप स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, पर गर्मियों में आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आप परिवर्तन करें जिससे आधा घंटा 45 मिनट नियमित व्यायाम हो, हृदय गति तेज हो, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी ऊर्जा की खपत बढ़ेगी। अगर ऊर्जा की खपत बढ़ेगी तो ऊर्जा का ही तो बैलेंस ट्रीटमेंट है डायबिटीज का। मान लीजिए एक साधारण इंसान 1800 किलो कैलोरीज लेता है जिसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मजदूर वर्ग को हमें ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता पड़ती है, पर जब डायबिटीज हो जाता है तो हम ये कैलोरीज ही, जो आपकी ऊर्जा का पैमाना है, वो कैलोरी जो आप भोजन ग्रहण करते हैं वो कैलोरी के पैमाने पे नापा जाता है। तो यही कैलोरी हम कम करते हैं डायबिटीज में, हम बोलते हैं कि आप 500 से 600 कैलोरीज कम लीजिए, और हम ये कहते हैं कि आप ऐसा व्यायाम करें तो ये कैलोरीज बर्न हो, जल्दी जल्दी इनकी खपत हो। तो खपत बढ़ाने का तरीका है एक्सरसाइज। तो आप नियमित एक्सरसाइज करिए, जो भी मन को अच्छी लगती है वैसी एक्सरसाइज करें, जो आपकी जीवन शैली से जुड़ी हुई है वैसी एक्सरसाइज करें। बहुत से लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारे तो घुटने में दर्द है, हम कैसे एक्सरसाइज करें? होता है ऐसा डायबिटीज में। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप बैठे बैठे पीटी जैसी एक्सरसाइज करिए। स्कूल में पीटी सिखाया होगा ना, फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, तो आप ये बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, तो इससे भी ऊर्जा की खपत होगी, बीच में 2-4 मिनट आराम भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए किसी प्रकार के बहाने की आवश्यकता नहीं है, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अपनी डायबिटीज नियंत्रित करनी है, मुझे अपनी ऊर्जा की खपत बढ़ानी है। आपको अगर घुटने की बीमारी है तो मैंने आपको बताया कैसे एक्सरसाइज करना है, तो आप अपनी परिस्थिति के अनुरूप आप अपना टेलर मेड एक्सरसाइज बनाइए, स्वयं के अनुरूप एक्सरसाइज बनाइए, पर करिए जरूर, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ऊर्जा की खपत नहीं बढ़ेगी, डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा, और डायबिटीज का जो पैमाना है कि खाली पेट चक्कर 100 होना चाहिए, भरे पेट चक्कर 180 होना चाहिए और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% आना चाहिए, ये आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे और कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाएंगे। इसलिए डायबिटीज के मरीज को बिल्कुल बराबर नियमित व्यायाम करना चाहिए। धन्यवाद।